आशु सुनो ना, आज का डिनर हम बाहर करें। ठीक है। बड़े जल्दी मान गए तुम, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। खुश नहीं हूँ मैडम, टाइम दे पाता हूँ कम घर पे। अच्छा, इसलिए आज बाहर। मुन्ना मेरा बैग लेकर आना। अभी ला रहे भैया। चलो तो कितने बजे आओगे बता दो पहले। मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। ये आपका बैग। और खाना बना दिया है मैडम के लिए? हाँ, खाना वाना पूरा एकदम बना के हम टनकन कर। बढ़िया। अच्छा मैं तानसी में जा रहा हूँ, बाय बाय। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा जाकर काम कर। वैसे भी इतने आराम आराम से काम करता है, अभी बोलो तो शाम तक करेगा काम। हाँ भैया, कौन हो? मैं आशु का फ्रेंड। अच्छा तो भैया तो है नहीं घर पे? भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भाभी से बोल दो। अच्छा भैया यहीं रुको, हम दीदी से पूछ के आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी उस दरवाजे पे कोई भैया के दोस्त आए हैं। अच्छा उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा भैया दीदी अंदर बुला रहे हैं तुम्हें। अच्छा ठीक है चलो। इनका कौन सा दोस्त आ गया? तुम जाकर चाय बना लाओ। अच्छा जी। भाभी जी नमस्ते। अरे आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। भाभी जी आप पहचानोगे कैसे, वो तो शादी के बाद आपसे मुलाकात हुई नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वाशु तो है मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप चाय पी के जाइएगा। अरे चाय तो पियेंगे भाभी जी, लेकिन आपके हाथ की बनी हुई स्वादिष्ट खीर खा के जाएंगे। आशु भैया के मुंह से आपकी खीर के बारे में बहुत तारीफ सुनी है मैंने। अरे हाँ हाँ भैया जरूर, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको कॉल करके बुला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी जी आप उनको क्यों परेशान कर रही हो, शाम को आएंगे ना उनसे मिल लूंगा, तब तक तो मैं यहीं पे हूँ। अच्छा भैया ठीक है। रामू अरे चाय नहीं बनी। दीदी जल्दी आओ, आप चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ठीक। लो भैया चाय। अरे सुन भाभी जी को वो का है ना, आपके लिए खीर बनाने के लिए मेवा नहीं था तो वो मेवा लेने गई हैं। अच्छा सुन इधर बैठ। अच्छा। क्या हुआ भैया? एक बात बता। पूछो। यहाँ पे काम कब से कर रहा है? ओ भैया हमें आए हुए कम से 3 साल तो हो गए। 3 साल हो गए? हाँ भैया। 10 साल भी हो जाएंगे ना तब भी यहीं पे नौकरी करेगा तू? आप क्या कह रहे हो भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तुझे अच्छे से समझाता हूँ, सुन ना, मैं अशु भैया का फ्रेंड हूँ और ना मैं उसका रिश्तेदार, मैं चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ। और सुन अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है ना तो मेरा साथ दे दे और फिर देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं अमीर तो हो जाऊंगा ना? बिल्कुल। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, आज से आप और मैं बिल्कुल पक्के वाला दोस्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये आपका और आज से हम दोनों भाई भाई है ना। अबे अबे ये क्या कर रहा है? अरे दीदी अबे तुझे तो अमीर बनाऊंगा ना। अरे अबे चुप, अबे क्या कर रहा है, छोड़। अच्छा अरे तू क्या हो रहा है? अरे भाभी ये कौनो आज से भैया का दोस्त नहीं है, ये चोर है। चोर? चोर? हाँ अब जल्दी से पुलिस को बुलाओ, जल्दी से फटाफट। छोड़ पुलिस, चोरी करनी है। मैं इंसान कौन से बोल रही हूँ, यहाँ मेरे घर में चोर आया है, अब जल्दी आओ। अभी तू का पता चल जाएगा, इसको पकड़ रखना। सही समय पे मैं आ गई और हमने सही समय पे पुलिस को कॉल कर दिया, वरना आज तो। अरे दीदी आपको नहीं पता था
वो हमें ना अपने झांसे में ले रहा था। तो आज चोरी पक्की थी। अरे दीदी ऐसे चोर तो हमने अपने गांव में बहुत पकड़े हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब घर के सारे काम निपटा लो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है मैम।